ಹೇಳಡ್ ದುರ್ಮತ ಅವತ್ತು ಕೇರ್ಲಿಸ್ ಮಾಡಿದಾತು ಏ ಅರ್ಧ ತಿನ್ರ ಬೇಗ ಅಣ್ಣಾತ ಸಬ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಐಗ್ರೆ ಐಗ್ರೆ ತಾಕನದಿ ಏರ್ಮಿನ ಮಕ್ಕ ಏರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೇ ಗಾಯ ಪೈನ ದೇಯು ಗಾಯ ಲೈನ ದೇಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಗ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಏ ಲಾಭ ಬಲ ನೈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾ ಸಿಗಿಲೆ ಬೇಗ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ದರ್ ಪೇರ್ಕೆ ಅಬ ಏರ್ ತಲಂ ಕೂಡ है गाइस, वापस से एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग को छोटा सा वाटरफॉल दिखाने वाला हूँ मेरे, जो कि गांव के पास में ही है। और अभी आज थ्रेशर मशीन के इंतज़ार में करते करते बहुत टाइम हो चुका है और मशीन वाले बोल दिए कि आज नहीं हो पाएगी, तो कल सुबह से काम चालू करते हैं। तो धान मिसाई करने का था और उन्होंने कैंसिल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, उनको भी टाइम चाहिए, उनके पास भी बहुत सारा काम पेंडिंग रहता है। हमने सोचा कि अभी इस टाइम पर क्या करेंगे, इंतज़ार तो कर रहे थे पर अभी हम लोग के पास अब कोई काम नहीं है। चलो चलते हैं, नहा धोकर के आएंगे, बहुत दिन हो गया और मन कर रहा था। वहाँ पे पिकनिक से लेकर सारा कुछ, न्यू ईयर और बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, बहुत सारे जो भी मतलब छोटा मोटा इवेंट किसी को ऐसे वाटरफॉल के पास मनाने का होता है ना, तो वो लोग जा सकते हैं उस जगह पे। और अब पीछे देख सकते हैं मेरा घर है और उसके आगे साइड में एक नया घर भी बना हुआ है। तो अभी भाई लोग हैं साथ में, ये अपना मुजाराम इसके साथ जाएंगे और एक है उसके साथ, तीन लोग हो जाएंगे। हम लोग बाइक है अपने पास, पुराना होंडा, उसी में जाएंगे, ट्रिप से जाएंगे। अभी एक डेढ़ घंटा लगेगा, मतलब यहाँ से अगर हम लोग इधर से सीधे जंगल होते हुए जाएंगे ना तो करीब 4 से 5 किलोमीटर लग जाएगा। और रोड रोड जाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग को घूमना पड़ेगा इस टाइप का। तो चलो आपको सीधा वहीं जाके मिलते हैं वाटरफॉल के पास और आपको भी इन्जॉय दिलाएंगे। बहुत ही शानदार है, अभी टूरिस्ट प्लेस के रूप में वहाँ पर एक्सप्लोर किया जा रहा है और बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन होने को है, तो कुछ कुछ हो भी गया, तो देखते हैं वहाँ जाने के बाद देखने को मिल जाएगा। कर रहा है हम लोग को, यहीं शाम हो जाएगा। आज सूरज देवता भी ये देख रहे हो, घर जाके लेट करके आया ना अभी। हम लोग के गांव का रोड देख लो एक बार, चटपाल पहुंच गए। इसके बाद अभी रास्ता कटने वाले हैं, शॉर्टकट रास्ता जाएंगे इधर, अभी जंगल वाला रास्ता जा रहे हैं, अभी कच्ची गली पे। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे थे, बीच में हम लोग को एक भाजी मिला, बहुत ही अच्छा, एकदम शानदार, खट्टा, एकदम मस्त। इधर बस्तर में बहुत ज़्यादा फेमस है खट्टा भाजी के नाम से, आप लोग को मार्केट में भी मिलता होगा, लेकिन उसका बीज कहाँ से मिलता होगा वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा मेरे पीछे में। अभी जा रहे थे, रास्ते में मिल गया, बहुत सारा एकदम रेड रेड पूरा दिख रहा होगा ना, पास में ले जाकर दिखाता हूँ आपको। और ये बिरसठ पाल के जस्ट एक गौसा पारा है, पता नहीं इस तरफ में है, बिरसठ पाल उधर में आगे में है ना रोड के पास में, तो ये अंदर वाला गाँव मतलब छोटा सा पारा है, एक छोटा मोहल्ला इसी में है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार है। देखो बहुत दूर दूर तक लगा हुआ है ना, इसमें मतलब बीच में पूरा धान लगाए थे और ये चारों तरफ में है ना, पूरा जितना भी है खट्टा बाजी है। इस तरफ रोड है इधर में, तो इधर नहीं लगाए, इस तरफ के जो बाउंड्री के रूप में ना ये पूरा खट्टा बाजी लगाए, कुछ इस तरीके से दिखता है, इसके अंदर में बीज होगा, ये इसके अंदर में बीज है, इसके अंदर में, तो ये जो इसका ये वाला जो दिख रहा है ऊपर का, ये वाली चीज़, ये वाली पोर्शन ना सब्जी बना के खाते हैं, और सुखा के इसका अगर पाउडर बनाएंगे ना तो बहुत ही एकदम मस्त टेस्ट देता है, एकदम हल्का सा खट्टा। और इसको जैसे खाएंगे ना, जैसे लाल मुर्गा खाया जैसे लगता है, पूरा इसका जो भी सब्जी बनता है पूरा लाल लाल बनता है एकदम से। हाय गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए एक मिरास, ये पीछे में गाँव है, और इधर जाएंगे आगे में नदी मिलेगा, उसी नदी में है मस्त एकदम दुर्मा, और नहाएंगे रोएंगे इन्जॉय करेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं दुर्मा के पास में, पीछे में आपको एंट्री गेट दिख रहा होगा, हल्का सा वो रेड कलर में लिखा हुआ है, और इधर किनारे पास में इधर आगे जाएंगे, और मेन रोड लगा हुआ है ना, इधर आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगर से भी आ सकते हैं, पाकि से अंदर आ सकते हैं सब जगह से। तो अभी हम लोग गलत रास्ते से आए थे, उधर गाँव इस साइड है ना, पीछे साइड है, तो वो वाला रास्ता से आए थे शॉर्टकट में, पैदल आना पड़ गया पीछे, फिर मैं इधर से बाइक पर घुमा के ले आया। दुर्मा का उसमें वाटरफॉल पे आ गए, पीछे में है, और यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग स्लॉट वगैरह सब बना हुआ है। और आप लोग को मैं बता दूँ, यहाँ पे जब भी आओगे ना तो ऑनलाइन पेमेंट मोड यहाँ नहीं है, मैं गलती किया, अभी पैसे लेके नहीं आया, और अभी यहाँ कुछ बहन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे टिकट काटने जगह पे,
बोल रहे थे कि पैसे वैसे चाहिए करके, तो कैश लेके नहीं आया। ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा तो मैं कर लूँगा बोलते देखा, तो ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है बोलते, इसलिए देखते हैं। जब भी आप लोग आएंगे तो ऐसे कैश लेके आना, इधर ऑनलाइन का ज़्यादा वो नहीं है। अभी स्टार्टिंग से मैं तो उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं किया हुआ है, अभी कुछ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन ये हो चुका है। यहाँ रुकने उकने का व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन बाकी जो पार्किंग पार्क है ना, ये झूलने उलने का जो भी बच्चे उच्चे सबके लिए खेलने कूदने के लायक है, अच्छा जगह है। और उधर जाके तो दिखाएंगे। इधर में बाइक वाइक का पार्किंग के लिए जगह है, इधर फुल एकदम, जैसे कार वार भी लेके आएंगे तो यहाँ पे रखने के लिए सब जगह है। उधर गेट है सब, ऐसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे में पूरा मस्त एकदम दिख रहा है, बढ़िया सा एकदम पत्थर उत्थर सब लगा हुआ है, बढ़िया एकदम चारों तरफ ऐसा ही है ना। अभी बारिश का समय नहीं है, दिसंबर का महीना है तो अभी पानी कम है। आपको आगे में दिखाएंगे मेन प्रोग्राम, उधर ही चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत गंदगी किए हुए हैं, जो भी आते हैं मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना सारा जितना भी आते हो ना, ये सारा चीज़ उधर से लेके आते हो, उधर से वापस लेके जाया करो, और ऐसे खाते पीते हो उसके बाद ना, जो भी आते हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा गंदगी टाइप का महसूस होती है, तो इस तरीके से गंदा आप लोग ना फैलाएं। और आते भी हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई एक जगह रख दो, सब जगह पूरा फैला के रख दिए ना, तो इसको कौन साफ करेगा। यहाँ ऐसे टीम भी अभी मतलब बिल्डअप नहीं किया गया है, तो इधर सब टूरिस्टिक प्लेस है, तो ये सब लोग आए हुए हैं मस्त एकदम शानदार अपना फैमिली के साथ, और इधर अपने भाई लोग भी है। यहाँ पे फोन मोड रखने के लिए भी सब जगह सुविधा है, मस्त एकदम है। अभी मंदिर से जा रहे हैं हम लोग रास्ता में, बहुत एकदम खतरनाक एडवेंचर जगह है यहाँ पे, एकदम छोटा छोटा सा गली से घुसना पड़ेगा। बस क्या करे, और इधर से भी जगह है ना पास से, ये जस्ट मंदिर के पास से इधर से शॉर्टकट उतरने के लिए भी है, और इधर भी मस्त एकदम जगह है बढ़िया सा, और इधर भी एक छोटा सा वाटरफॉल टाइप का ही है उसी तरफ, तो बढ़िया सा है। हम लोग नहाने धोने के लिए शायद उसी साइड नहाएंगे अभी, उसके बाद चलेंगे। इतना मस्त लगता है ऐसी जगह, एकदम शांति से आके बैठो, एकदम बहुत एकदम पीसफुल जगह है, मस्त एकदम पानी का आवाज़ आ रहा है वाटरफॉल का, और मंदिर भी है, पूजा पाठ करना है, पिकनिक मनाना है, बहुत कुछ आ सकते हैं, लेकिन गंदगी नहीं करना है। गंदगी आप लेके आए हो तो आपको लेके जाना पड़ेगा, गंदगी बस नहीं करना है, सबके लिए थोड़ा सुंदर और सबके सहभागिता रहेगा ना, बहुत ही सुंदर और शानदार लगेगा देखने में, बहुत ही एकदम पीसफुल लगेगा, बहुत ही शांति मिलेगी यहाँ आएंगे तो। और बस गंदगी नहीं करना है, हम लोग कुछ लेके नहीं आए, बस यहाँ आएंगे, आए हैं नहाएंगे धोएंगे उसके बाद चलेंगे, बस कोई कचरा लेके नहीं आए, शराब पी के यहाँ पे बोतल फेंके ना। उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगले बार कोई भी आएंगे तो सबसे पहले जो मेन गेट में एंट्री करने देते हो ना, उनको पहले चेक करो, और उनको बोलो कि जो भी गंदगी करोगे उसका फाइन यहाँ देना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो उनको टाइट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी जो भी रहेगी उसको। मस्त एकदम वाटरफॉल है, इधर बहुत कुछ एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार देखने को
मिलता है यहाँ पे। और इधर खतरनाक वाला जगह है ये वाली एकदम जगह, यहाँ पे गिरता है इस तरीके से पानी ये, आवाज यही पास का आता है बहुत ज्यादा एकदम। वो मंदिर है आगे में, उसको भी अच्छे से बनाएंगे शायद अगले 2-3 साल के अंदर अंदर। शाम का समय है, ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा, और दिसंबर का महीना है तो भोलेनाथ जो चल के आए थे उसका पूरा मतलब पैरों के निशान है उसमें, कदमों के निशान, तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं। क्या पता मैं उस समय देख लिया था छोटे रहते थे ना, क्या पता अभी वो सारे मिट गए होंगे तो पता नहीं, पर कोशिश करेंगे उस जगह पे जाके देखेंगे इधर में पीछे साइड ये। तो अभी बहुत कुछ एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया, और आप लोग भी आना यहाँ पे, और टिकट लगेगा वहाँ कैश लेके आना है, और मंदिर भी है, पूजा पाठ कर लो, पिकनिक मना लो, सब कुछ एंजॉय करो। चिल बाबा चिल चिल चिल, कोई मटर से चिल। कदमों के निशान शायद घिस गए होंगे पानी आते आते, तो उतना अच्छे से अभी क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आप में से किसी को पता होगा तो बता दीजिए कौन से लोकेशन पे है, मैं तो देख लिया था लेकिन वो शायद पता नहीं बचपन का उतना क्लियर नहीं है, मैं तो भी थोड़ा सा डाउट है, और इस तरफ दिख नहीं रहा है अभी। आरोप गंजी दे में दे मती कितनी मोटी इसके पकड़े का इलाहू मुझे ना गुड़ी मत तक ना दे योग ना मत इसके पकड़े में दे मती जरम मालूम मत कितनी मुट ओला मंदिर में नक्शे बने लेकिन बोरी से कल में लेकिन पूरा एकदम यही पास सुसु कर देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सब पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ खाना बना खाए, चूल्हा भी यही पास है, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, ये सब गंदगी नहीं चलेगा, यहाँ आना है। देख रहे हो इतना मस्त खाना वाना सब बना के खाए हैं, उसके बाद ना पूरा गंदगी फैला के चल रही है, देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, पूरा प्याज का छिलका है, इधर पत्थर पड़ा है, जिंदगी पड़ा है, डिस्पोजल पड़ा है, वो आगे में देखा दारू बोतल पड़ा है, इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे ना तो यहाँ कोई आने के लिए जगह नहीं बचेगा। पहले जितना शांति थी और जितना साफ सफाई थी ना, उतना साफ सफाई अभी नहीं मिलेगा, आप लोग आते रहेंगे इस तरीके से गंदा करते जाएंगे। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए एंजॉय कीजिए, लेकिन इस तरीके से गंदगी ना फैलाए, ठीक है। आ रहे हैं आप कचरा लेके आ रहे हैं तो आपको कचरा लेके जाना है, या तो कहीं एक जगह पे रख दीजिए। अच्छा शानदार जगह एकदम, सबकी मन की शांति मिलेगी यहाँ पे आएंगे तो, लेकिन इस तरीके से गंदा फैलाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। चलो मेरा मैसेज आप तक पहुँचाना था, और आप लोग आ रहे हैं तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ शाम हो चुका है, अभी मैं यहाँ जो स्टाफ रहते हैं उनको बता के चले जाऊँगा, जो भी आएंगे तो उन लोग को बता के अंदर घुसने देना, ताकि गंदगी ना फैलाएंगे, अगर गंदगी फैलाएंगे तो उनको एक्स्ट्रा फाइन लगेगा, जो भी मतलब यहाँ की टीम तैयार करेगी जो भी फाइन लगेगा, तो सारा चीज़ बता के जाऊँगा। तो पूछा था लेकिन उन लोग के वापस आने से पहले चल दिए, बहुत ज़्यादा लेट कर दिए, और शाम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा गेट को भी खुला छोड़ के चल दिया ना, जब हम लोग आए थे ना उस समय गेट बंद था, तो एंट्री फीस 20 रुपये लगता है। बाले रा पदाम बाले ने ले अगर पीकी पैसा के सुरता राम पे पैसा इल वाला सवाई बात तुम इल पुनो पैसा पोजी ता आंजा हां हां बोकी पे मा पैसा के सुरता पोंदू तो मा येर मिनन वत्त में जा केतन के हां बमे पे पड़ास में जा लके तिरु बिन बाले की ने वत्त नहीं के की के बता पोता ले बाले भाई మీరు ఆన్లైన్ తక్కువ పేమెంట్ మోడ్ తాస్ వీడు ఆన్లైన్ పేమెంట్ మోడ్ తాస్ వీడు